बैठ चरखी माँ बोलियो माने मेरो बिंदी ना बैठ चरखी माँ ना बैठ बिंदी ना बैठ चरखी माँ। हो चुकी है सुबह, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ शुरू करेंगे आज का नया ब्लॉग। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपन लोग भी मस्त हैं। मैं हूं कत्यूर घाटी के एक खूबसूरत गांव दियोनाई से। तकरीबन सुबह का 8 बज चुका है और मुझे जाना है गांव में। वो सामने गांव दिख रहा है और गांव से फिर आना है हमको नदी, क्योंकि अभी पंडित जी आए नहीं हैं। पंडित जी को आने में लगेगा टाइम और मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि रंजीत आ गए भगड़तुला से हमारे घर पर, वो बैठे हैं और मेरे को बोल रहे थे नहाया नहीं। मैंने कहा रोज़ नहाना पड़ता, उन्होंने कहा रोज़ नहाना पड़ता। तो अभी मैंने रख दिया है गर्म पानी, गर्म पानी हो रहा है और मुझे नहाना है और तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे, क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो अभी पंडित जी आए नहीं। उनके पास भी पंडित जी का फ़ोन नंबर है नहीं। पंडित जी का आने में एक आध घंटा है, तब तक मैं आधे घंटे में नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और तैयार होके फिर हम निकलेंगे नदी में, क्योंकि नदी है नीचे, वहाँ पर होंगे कर्मकांड। तो जो भी कर्मकांड होते हैं 10 दिन के, वो तुम्हें प्रत्येक विवर से दिखाने का प्रयास करूँगा। और चलते हैं अभी, और गांव से एक पूजा भी जाती है, आज निमंत्रण भी था हमको, गांव से पूजा जा रही है नरसिंह मंदिर। और ये सामने देख सकते हैं आप, ढोल दमाऊ नंगरा दमुआ तमाम चीज़ें बज रही हैं, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं, शनिवार है तो ये लोग जा रहे हैं, आज पूजा है इनकी नरसिंह मंदिर। तो क्योंकि हम लोगों के घर में ताईजी एक्सपायर होगी, शू तक हमको हो गया, तो हम लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए इनकी ढोलक दमुआ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो दोस्तों चलते हैं नीचे और दिखाएंगे आपको, पहले इससे पहले आपको दिखा देते हैं ढोल दमाऊ बजते हुए और मंदिर की ओर जाते हुए। ये देखिए सामने छोटे छोटे निशान भी ले जा रहे हैं बच्चे, और वो दमुआ और ये बजा नंगरा बजाते हुए ले जा रहे हैं। और ये है गांव का नज़ारे। आ गए हैं दाजू भगड़तुला से, इन्होंने मुझे बताया कि रोज़ नहाना पड़ता है, मैं तो तैयार हो गया था जा रहा था, तो फिर अभी नहाता हूँ, गर्म पानी लगा दिया, अभी जाएंगे। पंडित जी भी नहीं आए हैं, अभी नदी में जाना है, आज चौथा दिन है। अब प्रत्येक रहेगा घाट तो दिखाएंगे आपको, और कल पता ही आपको ये बाल आल सब उतार दिए हैं, उतार दिए इन लोगों ने जबरदस्ती, क्या कर रहे हैं यही होता है। और बताओ और कुछ हुआ? ये पहुँचा हुआ है गांव से, आगे हैं दाजू लोग घाट की ओर। और अब घाट में जो है ना, दाजू ने आग वाग जला दी, मोहंदा लोग आगे, मोहंदा हो गए, पंदा हो गए, पंडित जी हो गए, तमाम घाट की ओर आते हुए, और घाट में अब कार्यक्रम शुरू होगा। और पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ, जो भी हमारे धर्म होता है, जो हमारे संस्कृति में होता है हिंदू धर्म में, वो तमाम चीज़ें जो है क्रियाक्रम करते हुए नदी के किनारे पर। और ये यहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है पंडित जी का, और बता रहे बारी बारी से जिन लोगों को वहाँ पर पानी देना है वो लोग पानी देने का काम कर रहे हैं। पंडित जी एक एक करके बारी बारी करके बता रहे हैं। ये फकीर का चले गए हैं, उसके बाद जाते हैं रणजीदा, रणजीदा की बारी आती है, फिर रणजीदा भी अपने काम करते हुए, उसके बाद मोहम्मदा की बारी आती है, मोहम्मदा भी अपना जो है पानी वानी दे के फिर लौट जाते हैं। ये गुप्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब इनका काम शुरू होता है, क्योंकि बारी बारी से अपना जो है एक एक करके पंडित जी देते रहते हैं सबको, और सब लोग पानी चढ़ाते हैं 10 दिन तक, एक दिन का, एक दो दिन का, दो तीन दिन का, तीन चार दिन का, इस तरीके से 10 दिन तक चढ़ाने पड़ते हैं। 10 चार दिन हो गए तो चार वो छोटे लोटे से या हाथ से ये तमाम चीज़ें इस तरीके से पानी देते रहते हैं अपने, जो भी हमारा क्रियाकर्म होता है, जो भी जो भी हमारे विधि विधान में होता है, वो तमाम चीज़ें पंडित जी हमको बताते हैं और हम लोग करते हैं। ये मुंडा भी आगे जनी, उन्होंने बाएं हाथ में डाल दिया है और ये आचमन करके अब वो पंडित जी उनको बता रहे हैं, और पंडित जी बताने के बाद तब वहाँ पर फिर वो पाती लेकर, और उसके बाद जौ और अक्षत पाती लेकर फिर जाएंगे वहाँ पानी देने के लिए, क्योंकि वो जो कैरू होता है, कैरू में पानी दिया जाता है। चार दिन हो गए तो आज चार लोटा जल या चार हाथों से हाथों से पानी दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे जो है कर्मकांड चलते हैं, और ये पानी देने के लिए पानी देके
ये भी 4 राउंड पानी देंगे। उसके बाद फिर मेरी बारी आती है, पर मैं जो है अब मेरा तो कोई नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ में है कैमरा, मुझे खुद ही अब कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। और ये डलिया में ये है कैरू, और ये डलिया में तमाम सामान है जो यहाँ क्रिया कर्म में लगता है, मऊ से लेकर जौ के आटे से लेकर दूध से लेकर गोंद से लेकर तेल, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर अभी पिंड बना रहे हैं, दो पिंड बनाएंगे और फिर उसके बाद उसमें दिया जला के उसकी पूजा करके आरती करेंगे। आरती करने के बाद तभी फिर दूध और तमाम चीज़ें रोटी में डाल के उसको वहाँ जल देंगे, एक लोटा जल देंगे। उसके बाद कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर निकलते हैं क्योंकि अब लास्ट जो करता है वही यहाँ पर रह गया है बंदा, तो वो अपना यहाँ पर पंडित जी उनको बता रहे हैं और वो अपना ये दिया है जला के अभी यहाँ पर आरती करेंगे। तब उसके बाद पानी वानी देंगे, तब सब नदी का जो है आज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सब लोग जो है धीरे धीरे घर की ओर निकलेंगे क्योंकि आज का कार्यक्रम इतना ही होता है चौथे दिन का यहाँ पर। फिर उसके बाद घर जाते हैं और घर की तमाम चीज़ें हम दिखाएंगे यहाँ पर। हमने बत्ती में जो है ये आरती कर रहे हैं उसमें तमाम चीज़ें डाली और जो उनको बताया गया है। तो ये है दोस्तों हमारी जो है जो संस्कृति में है, जो धर्म में है, जो रीति रिवाज में है, तो हम लोग ऐसे ही अपनी कर्मकांडों को करते रहते हैं। और ये देखिए इस तरीके से होता है, भाई साहब भी वहाँ पर सामने बैठे हैं और ये पानी ये दूध डाल दिया है लोटे में, फिर पानी डालेंगे उसके बाद कैरू में जो है पानी चढ़ा के आ जाएंगे भाई साहब। ये इसमें डाल दिया है, ये पाती डाल ले हैं और जौ डाल ले हैं और ये तमाम चीज़ डाल के और शहद है तमाम चीज़ें और सभी चीज़ें डालते हैं। तब ये निकलते हैं कैरू में पानी देने के लिए चले गए हैं, फिर कैरू में पानी देने निकलते हैं भाई साहब। ये देखिए पानी भी बहुत हो रहा है तो इसलिए वो अपने पैजमे को ऊपर कर रहे हैं, बाहर से धोती लगा रहे क्योंकि वो भीग जाएगा इसलिए ऊपर कर रहे हैं। अब देते हैं वो धीरे धीरे पानी, फिर ये गए धीरे धीरे पानी देने के लिए भाई साहब। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारे जो पहाड़ में जो है हमारी जो हमारे रीति रिवाज जो हमारे धर्म से संबंधित है तमाम चीज़ें ऐसी चलती है। और ये डलिया में तमाम वो चीज़ें हैं जो चीज़ें यहाँ कर्मकांड में काम आती हैं, जो क्रियाक्रम में यहाँ पर घाट में नदी में काम आता है वो तमाम चीज़ें हैं ये पर डे यहाँ पर काम आती है। तो घाट आए हुए थे आज चौथा दिन, चौथे दिन के जो कर्मकांड हैं वो हो गए हैं पूरे। और ये देख सकते हैं नदी में सब लोग हैं, पंडित जी भी हैं और रंजीता है, मोहनदा है वहाँ सब लोग। तो अब निकलते हैं घर को क्योंकि इनको मैं भी जाऊँगा घर तक, कल नहीं जा पाया तो भी घर तक जाऊँगा, फिर आऊँगा घर जाने के बाद। तो चले मिलते हैं। फाइनली दोस्तों नदी से हम पहुँच चुके हैं घर। ये हैं घर पे दाजू बैठ गए हैं कुएं पर और यही इनका 10 दिन की तपस्या यहीं से होती है कंप्लीट 10 दिन। फाइनली दोस्तों मैं आया हूँ आज गाँव में और जैसे कि मैंने सुबह बताया आपको ब्लॉग में, क्योंकि आज चौथा दिन था तो घर तक भाई साहब को छोड़ा और काफ़ी बात नहीं हुई, कल मैं शाम को आ नहीं पाया तो आज यहाँ पर था। अब निकल रहा हूँ घर की ओर और देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है, गांव का नज़ारे दिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बिफोर लंबे होने जा रहा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाली बहुत खूबसूरत और सुंदर वीडियो को मिस ना करें। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बादलों के उड़ के